बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, हम आपको अपने चैनल इंफॉर्मेशन इंसाइक्लोपीडिया में खुश आमदीद कहते हैं। आज 18 जुलाई 2020 का दिन है। आज के दिन के बारे से मालूमात, 18 जुलाई 715 यौम वफ़ात मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम इमामुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम बिन यूसुफ था, जो बिनी उमैया के एक मशहूर सिपा सालार हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा है। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह करके हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारफ़ करवाया। इनको इस अजीम फतह के बायस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों में एक हीरो का एजाज़ हासिल है। इसलिए इस सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान पर इस्लाम का दरवाज़ा यहीं से खुला। मोहम्मद बिन कासिम को पहला पाकिस्तानी करार दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दो कौमी नज़रिया की अहमियत बयान करते हुए फरमाया था, पाकिस्तान उसी रोज़ वार से वजूद में आ गया था जब पहले मुसलमान ने सरजमीन हिंद पर अपना कदम रखा था, और ये पहले फ़र्द मोहम्मद बिन कासिम ही थे। मोहम्मद बिन कासिम 31 दिसंबर 695 को ताइफ में पैदा हुए। इनके वालिद का ख़ानदान मुमताज़ अफराद में शुमार किए जाते थे। हज्जाज बिन यूसुफ को इराक़ का गवर्नर मुकर्रर किया गया तो उसने सख्फी ख़ानदान के मुमताज़ लोगों को मुख्तलिफ अहदों पर मुकर्रर किया। इनमें मोहम्मद के वालिद कासिम भी थे, जो बसरा की गवर्नरी पर फाइज थे। इस तरह मोहम्मद बिन कासिम की इब्तदाई तरबियत बसरा में हुई। तकरीबन 5 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। बचपन ही से मोहम्मद बिन कासिम मुस्तकबिल का ज़हीन और काबिल शख्स नज़र आता था। गुरबत की वजह से आला तलीम हासिल करने की ख्वाहिश पूरी न कर सके, इसलिए इब्तदाई तलीम के फ़ौज में भर्ती हो गए। फ़नून सिपागरी की तरबियत उन्होंने दमिश्क में हासिल की। इंतहाई कम उम्र में अपनी काबिलियत और गैर मामूली सलाहियत की बदौलत फ़ौज में आला ओहदा हासिल करके इम्तियाजी हैसियत हासिल की। 708 में ईरान में कुर्दों के बगावत के खात्मे के लिए सिपा सलारी के फ़राइज सौंपे गए। इस वक्त बनू मैया के हुक्मरान वलीद बिन अब्दुल मलक का दौर था और हज्जाज बिन यूसुफ इराक का गवर्नर था। इस मुहिम में मोहम्मद बिन कासिम ने कामयाबी हासिल की और एक मामूली छावनी शहराज को एक ख़ास शहर बना दी। फारस के दारुल हुकूमत शहराज का गवर्नर बनाया गया। इस वक्त उनकी उम्र 17 बरस थी। वो अपने तमाम खूबियों के साथ हुकूमत करके अपनी काबिलियत वजाहनत का सिक्का बिठाया और 17 साल की उम्र में ही सिंध की मुहिम सिपा सलार बनाकर भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम की फतुहात का सिलसिला 711 में शुरू हुआ और 713 तक जारी रहा। उन्होंने सिंध के अहम इलाके फतह किए और मुल्तान को फतह करके सिंध की फतुहात को पाया तकमील तक पहुँचाया, लेकिन शुमाली हिंद की तरफ बढ़ने की ख्वाहिश हालात ने पूरी न होने दी। मुल्तान की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने शुमाली हिंद की सरजमी सब्ज शादाब इलाके की जानब मुतवजा हुए कदम बढ़ाए। पहले कनूज के राजा को दावत इस्लाम दी, लेकिन उसने कबूल ना की तो मोहम्मद बिन कासिम ने कनूज पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान 95 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल हो गया, जिस पर मोहम्मद बिन कासिम ने कनूज पर फौज कशी की बजाय वापस आ गया। हज्जाज बिन यूसुफ के इंतकाल के कुछ ही अरसे बाद वलीद बिन अब्दुल मलक ने मशरकी मलक के तमाम गवर्नरों के नाम अहकाम जारी किए, जो तमाम फतवाहत पेशकदमी रोक दी। मोहम्मद बिन कासिम की शुमाली हिंद की फतवाहत की ख्वाहिश पूरी करने की हालात ने इजाज़त ना दी और कुछ ही माह बाद खलीफा बिन अब्दुल मलक का भी 96 में इंतकाल हो गया। अमूबी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक के इंतकाल के बाद ही फातह सिंध मोहम्मद बिन कासिम के जवाल का दौर शुरू हो गया, क्योंकि वलीद के बाद इसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलक जानशीन मुकर्रर हुआ, जो हज्जाज बिन यूसुफ का सख्त दुश्मन था। हज्जाज का इंतकाल अगर इनकी खिलाफत के आगाज़ से कबल ही हो गया था, लेकिन इस अदावत का बदला उसने हज्जाज के तमाम ख़ानदान से लिया और मोहम्मद बिन कासिम के तमाम खिदमात और कारनामों को नज़रअंदाज करते हुए इन्हें हज्जाज के ख़ानदान का फ़र्द होने के जुर्म में अताब का निशाना बनाया। सुलेमान ने यजीद बिन अपनी कशीबा को सिंध का वाली बनाकर भेजा, हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके भेजो। मोहम्मद बिन कासिम के साथियों को जब इनकी गिरफ्तारी का पता चला तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, हम तुम्हें अपना अमीर जानते हैं, इसलिए आप अपने हाथ पर बैत करते हैं। खलीफा के हाथ हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के हुक्म के सामने अपने आप को झुका दिया। ये उनकी अजमत की सबसे बड़ी दलील है कि अगर वो ऐसा ना करता तो उनकी इमदाद के लिए सिंध के रेगिस्तान का हर ज़र्रा आ गया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपनी भी कबीशा के सुपुर्द कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करने के बाद दमिश्क भेज दिया गया। सुलेमान ने इन्हें वास्त के कैद खाने में कैद करवा दिया। 7वां कैद के सबूत जलने के बाद 18 जुलाई 715 को इस दुनिया से रुख्सत हो गए। इसी तरह मोहसिन सल्तनत के खलीफा ने कदर ना की और एक अजीम फातह महज खलीफा की ज़ाती अदावत दुश्मनी की बिना पर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, लेकिन उन्होंने जंगी सलाहितों और जरूरत हुस्न तदब्बर अखलाक के बायस हिंदुस्तान में जो कारनामे अंजाम दिए वो तारीख में सुनहरी रूप से लिखे गए। इनकी मौत से दुनिया इस्लाम को एक अजीम नुकसान पहुँचा।
محمد بن قاسم ایک نو عمر نوجوان تھے. اس قبری میں انہوں نے سندھ کی مہم پر سپہ سالاری کی حیثیت سے جو کارنامے انجام دیے ان کے کردار کی پوری طرح عکاسی کرتے ہیں. وہ زبردست جنگی قابلیت انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے. ان کے صلاحیتوں کے ثبوت سندھ مہم کی کامیابی ہی کافی ہے. ان کے اخلاق کا کردار کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غیر قوم ان کی گرویدہ ہوگی. سندھ کے عوام ان سے حد درجہ چاہت کا اظہار کرنے لگے تھے. تاریخ سندھ کے مصنف اعجاز الحق قدوسی تحریر کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم جب سندھ سے رخصت ہونے لگے تو سارے سندھ میں ان کے جانے پر اظہار افسوس کیا گیا. ان کی وفات پر شہر کیرت کے ہندوؤں اور بدھوں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی قیادت کا اظہار کیا. فتوع البلدان کے مصنف بلدازی نے بھی کیا. محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی پروقار, ان کا اخلاق دوسروں کو جلد گرویدہ بنا لیتا تھا. ان کے زبان شیریں, چہرہ ہنس مکھ تھے. وہ ایک باہمت, بامروت, رحم دل, ملنسار انسان تھے. وہ ہر شخص سے محبت سے پیش آنے آتے ان کے ماتحت ان کی حد درجہ عزت و احترام کرتے تھے. عام زندگی میں عام لوگوں میں کم بانٹتے تھے. انہوں نے ہر موڑ میں عقل و فراست کو پوری طرح استعمال کیا. ان کا ہر اقدام کامیابی کی راہیں تلاش کرتا ہے. ناظرین, محمد بن قاسم کی جو بایوگرافی میں نے پیش کی ہے, امید کرتا ہوں کہ پسند آئے گی. ایک بہترین سپہ سالار تھے جن کی وجہ سے پاکستان برصغیر میں مسلمان عام ہوئے. سور سندھ کو باب الاسلام اس لیے کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو حامی ناصر ہو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں. میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر دیں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو حامی ناصر ہو. خدا حافظ.